वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता, ये है मूंग दाल के अप्पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक कटोरी मूंग दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इसे हमें पीसना है तो हमने इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसी के साथ 1 कटोरी सूजी और 1/2 कटोरी मोटा पोहा डालेंगे। 1/2 गिलास पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। दाल और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से पीस गई हैं। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। तड़का बनाने के लिए पैन में तेल गरम करेंगे। इसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे और इस तड़के को इस बैटर में डाल देंगे। बैटर में हमें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से तड़का बनाकर डालने से अप्पे का स्वाद दुगुना हो जाता है। इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट बाद ये अच्छे से फूल गया है। यहाँ पर हमने एक प्याज लिया है जिसे हमने बारीक कट किया है, साथ ही में हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। स्वाद के लिए नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा मूंग दाल का बैटर तैयार हो गया है। अप्पे हमारे अच्छे से फूले फूले बने, इसके लिए हम 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसके ऊपर नींबू निचोड़ देंगे। इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर हमने अप्पे के सांचे को गैस पर रखा है और इसे तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि अप्पे निकालते समय हमें परेशानी ना हो। अप्पे के सांचे में 1-1 चम्मच बैटर डालेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। इस तरह से हर एक सांचे में हमें ये बैटर डाल देना है। मूंग दाल के अप्पे की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और हर साइड से हम इसे सेक लेंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे। सभी अप्पे को अब हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हमने सारे अप्पे पलट दिए हैं। इनका बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया हुआ है। अब इसके लिए हम एक फटाफट चटनी बना लेंगे। इसमें हम हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, नमक, भुजिया सेव, दही, नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अप्पे कितने फ्लफी बने हुए हैं। इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।